छोड़ के चले गए भाई यहाँ पे, वहाँ पे घर पे भी छोड़ने लग पड़े थे और यहाँ पे भी चले गए भाई, कोई है ही नहीं, कोई गाड़ी नहीं है दूर दूर तक। Hey, good morning guys, welcome back to the new vlog. Hope so you all are doing absolutely good. तो अभी टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया, नहाया अभी नहीं हूँ मैं, बाद में नहाऊंगा अभी क्योंकि फिर अंदर सारा वैसे होता है धुआं धुआं वाला काम, तो फिर मैं शाम को ही नहाऊंगा जाने से पहले, बारात में जाने से पहले। और दूसरी बात ये है कि भाई रात को मैं सोया था, 2 बज गए मेरे को सोते सोते रात को, काम करते करते ना एडिट करते, और उसके बाद सुबह मेरी आँख खुल गई 8 बजे से पहले, 7:30 बजे आँख खुल गई मेरी, फिर कहाँ नींद आ रही, नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी सही से, अब रात को लगी नींद। तो फिलहाल धूप में बैठो यहाँ पे, अभी तक पंडित जी आए नहीं है, जब वो आएंगे तो फिर काम को स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो अपनी यहाँ पे मस्त रेस्ट करते हैं उतनी देर अपन धूप में। तो अभी फिलहाल टेरेस पे आया हूँ मैं, और भाई एक चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा चहल पहल शोर शराबा कह सकते हैं हम गाँव में, इस चीज़ का यही सुख रहता है कि भाई शांति है। बेसिक शहरों की लाइफ थोड़ी सी फास्ट होती है ना, गाँव में भाई शांति होती है ना, बंदा मैं सुकून से रहता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा साउंड आ रही है, बट ये है कि गाँव में बंदा अकेले बोर हो जाता है, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर कोई टेरेस पे आके बैठ जाए ना चेयर लगा के, तब भी आसपास कुछ ना कुछ कोई ना कोई दिखता ही रहेगा, कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, बंदे का वैसे ही टाइम पास हो जाता है। बट आवाज़ देखो, किसी के फ़ोन की आवाज़ आ रही है, किसी ने गाने लगाए हैं, स्कूटी बाइक ये वो बसेस ऐसे धड़, तो ये है कि शांति भाई सिर्फ गाँव में है, जो कि आजकल के ज़माने में ज़्यादा ज़रूरी है शांति। तो सही है, गाँव में भी सही है, शहर में भी सही है, दोनों जगह अपना अपना मज़ा है, कहीं पर क्या चीज़ नहीं है, कहीं पर क्या चीज़ नहीं है। यहाँ तो पूरा मार्केट एरिया ना, सारा का सारा मतलब शहर ही है ये, पूरा पूरा घर ही घर 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 घर, लेकिन यहाँ पे जंगल है भाई, अमेजिंग है ना, यहाँ पे पूरा जंगल आगे तक पता नहीं कहाँ, यहाँ तो कुछ दूर दूर तक घर नहीं दिख रहे वहाँ पे है। और भाई सामने पड़ी हुई है बर्फ़, वो देखो वो पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी है, डलहौजी वाले पहाड़ हैं सामने वाले। चलो जी गाइस, अपने बाकी टीम में वाह फुल 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 ड्रेस में यूट्यूब पर ब्लॉग शटर ना, फिर बढ़िया चलो सर खुश हो रहा, मैं वीडियो बनाता हूँ तो खुश हो रहा भाई। ये दोनों कितने क्यूट है, दोनों भाई, आप दोनों एज बराबर है आप दोनों की? नहीं। कौन बड़ा, आप बड़े हो ना, कितने साल बड़े उसे? पता नहीं यार, क्या यार, चलिए हाँ कल देखना अपनी वीडियो, ठीक है यूट्यूब पे। हाँ तो गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और पंडित जी अभी आए हैं जस्ट, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से थोड़ी दूर 100-200 किलोमीटर होगा ड्रेस शूट करने के लिए। तो सारे जा रहे हैं, मैं मोहित हनी वगैरह सारे जा रहे हैं, तो फिलहाल कैमरा भी ले लिया मैंने अपना, तो इस वाली गाड़ी में जा रहे हैं भाई। तो गाइस ये लोकेशन अभी यहाँ पे है, पेड़ सही है ना यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे करेंगे भाई हम ड्रेस का शूट। तो इस साइड चल रहा है ड्रेस का शूट और उस साइड चल रहा है चप्पलों का। तो अभी फिलहाल पूजा वगैरह चली हुई है, हवन वगैरह हो रहा है, मम्मी देखो भाई पूरा मस्त है। तो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी यहाँ से तो फ्री हो गए, कह रहे शेरा मंदिर वगैरह होगी वो 6 बजे होगी, तो फिलहाल मैं दूसरी मासी के घर पे जा रहा हूँ पास में, वहाँ पे नहा नू के आऊँगा मैं भाई, नहाया नहीं 2 दिन हो गया मेरे को, तो वहाँ से नहा नू के बैग लेके जा रहा हूँ मैं, कपड़े इसमें सारे, मम्मी भी जा रहे हैं, फिर आते हैं वहाँ से। उस साइड से आ जाएगा, आ जाएगा उस साइड। अच्छा स्कूटी निकालनी भाई, यहाँ तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं। चलो तो भाई शाम के 6 बज गए, 6:15 हो गए, 6 बजे कहा था उन्होंने कि तैयार कर देंगे सेराबंदी वगैरह, बट मेरे को पता नहीं हुई होगी, मेरे को कॉल आ जानी थी। और दूसरी बात ये कि मैं निकलने लगा हूँ यहाँ पे, आए तो मम्मी मेरे साथ थे पर मैं जाने लगा फिलहाल, क्योंकि मेरे को वहाँ पहुँचना है। तो फिलहाल रेडी रूडी हो गया, मैं नहा लिया और अभी ठंड लगी भाई बहुत रास्ते में, साथ चलते हैं यहाँ से। तो भाई मम्मी भी हो गए रेडी हो गए, आ गए मम्मी मासी तीनों, वाह है कोई नहीं है ब्लॉग है, फेस पे क्या लगाया आपने, बैठ लगाया पाउडर पाउडर लगा पाउडर लगाया पाउडर लगाया शादी में आया है? शादी में आया वो तो है। अच्छा सच्ची नहीं थे आप? मेरी बेटी ने किया। अच्छा तो गाइस अभी फिलहाल पैलेस में पहुंच गए हम और व्लॉग बनाने का भाई टाइम ही नहीं लग रहा, तो क्योंकि काम ही बहुत ज्यादा है इस वजह से। चलो लाला के अंदर जाना, अंदर जाके सेटिंग शूटिंग करनी है। तो गाइस ये है पैलेस कुछ ऐसा, फिलहाल चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी फिलहाल रात के 12:30 हो रहे हैं और अभी काम मतलब स्टेज वगैरह करके फ्री हुए हैं और इसके बाद पोर्ट्रेट वगैरह करवाएंगे, तो फिलहाल खाना खाने लगे हैं सारे, यहाँ बैठे हुए हैं टेबल पे खाना खा रहे हैं यहाँ बैठ के सारे, लेकिन मेरा नहीं आया भाई हेलो कर रहे हैं दूर से सारे, डाल दो यार भाई बस कर, आप कितना खाओगे? तीसरी खा रहे हो? तीसरी कटोरी खा रहे हो? तीसरी थर्ड सेकंड। तो गाइस यहाँ से भी काम करके फ्री हो गए और अभी हम जा रहे हैं घर पे। और भाई ये दरवाजा देखो कितना बड़ा, हमने इसके आगे करवाए थे पोर्ट्रेट, देखो कितना बड़ा नीचे से लेकर ऊपर तक
भैया भी पूरे नहीं आ रहे भाई, बहुत बड़ा दरवाजा है। गाइस आज हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमें सभी छोड़ के चले गए भाई, यहाँ पे वहाँ पे घर पे भी छोड़ने लग पड़े थे और यहाँ पे भी चले गए भाई, कोई है ही नहीं, कोई गाड़ी नहीं है दूर दूर तक ना आपको दिख रही होगी, वो चले गए कह रहे हैं भेजते हैं कोई गाड़ी। भाई किसी ने ध्यान नहीं रखा कि हम भी हैं यहाँ पे, क्योंकि हम चले गए थे अंदर सामान सामान पैक करने भाई, 10-12 मिनट, 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं, 10 मिनट सारा सामान इकट्ठा करना, जो भी वायर्स वगैरह होती है सारी फोल्ड करके रोल करके फिर सेट करके बैग में। बाहर आए कह रहे बाहर रुकते हैं, हम रुकेंगे आपके लिए, एक सोचा होगा कि वो रुकेगा, एक दूसरे सोचा होगा वो रुकेंगे, फिलहाल सारे चले गए, वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं भेजते हैं कोई गाड़ी। और मेरी ना सिम भी बंद हो गई है, जियो वाली मैं पोर्ट करवाई थी ना, मेरे ख्याल से इस करके एयरटेल वाली एक्टिव हो जाएगी, अब जियो वाली बंद हो गई, नेटवर्क नहीं आ रहा भाई, मैंने कॉल भी करने से उनको समझ नहीं आ रहा था, भैया का फ़ोन लिया और फिर नंबर डायल करके तो कॉल करा, भाई हमें पैलेस में ही छोड़ के चले गए वो, पता नहीं अब कब तक आते हो, ठंड लग रही है भाई बाहर इतनी ज़्यादा ना, यहाँ पे ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे, क्योंकि ओपन सा एरिया, हवा आ रही है पूरी, अपने वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती भाई, बट यहाँ बहुत ही ठंड है अभी। चलो जी गाड़ी भी आ गई हमें लेने के लिए स्पेशली भाई, आधी सवारी बीच में सारी मुड़ के आई होंगी। तो गाइस फिलहाल लड़की वालों के घर पे पहुंच गए हम यहाँ पे, और जो हमारी वहाँ पे थोड़ी सी कसर रह गई थी ना पोर्ट्रेट्स की, वो हमने यहाँ पे आके कर ली पूरी, और अभी एक घंटा है काम स्टार्ट होने में, पूजा वगैरह स्टार्ट होने में, तो मैं सोच रहा हूँ कि तब तक एडिटिंग कर लेता हूँ भाई, इस व्लॉग को एंडिंग कर लेता हूँ, व्लॉग तो बना नहीं भाई, इतना ज़्यादा काम था, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, दो बंदे हो एक हेल्पर हो ना, जैसे पहले होते थे वेडिंग में कई बार होता था हमारे साथ, तो थोड़ा पीछे बैकअप के लिए हो जाती हेल्प, लेकिन जब बंदा अकेला हो ना फिर बड़ी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं। तो बाकी मैं फिलहाल अभी एडिटिंग कर लेता हूँ, तो बाकी इस व्लॉग को एंड करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।